Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Show, and today we are going to discuss about important question answer of biomolecules. जो आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके सभी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए. तो आज हम यहाँ पर उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए. तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं. लेकिन डिस्कस को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बहुत अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करिए. आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि चार ऑप्शन है, उन चारों में से सही ऑप्शन कौन है आपको अपने माइंड में मेकअप करना है और बताना है. तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, क्या डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है. बी, आपका बी ऑप्शन कह रहा है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया, क्या आरएनए सभी वायरस और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है. सी ऑप्शन कह रहा है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरसेस, क्या डीएनए सभी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है. एंड फोर्थ कह रहा है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल वायरसेस, क्या सभी वायरस का आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है. आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड बी आपका जो आरएनए है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड. तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर ए सही होगा, क्योंकि डीएनए जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यानी कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है. अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन अप टू एज 14, एज 14 के बाद एक चिल्ड्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है. तो आप बताएंगे यहाँ प्रोटीन, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर नाम से भी जानते हैं. तो प्रोटीन एज 14 के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बॉडी के लिए. फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द बॉडी एज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपके बॉडी में किस रूप में संचित रहता है. तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज स्टार्च ग्लाइकोजन सुक्रोज. तो आप यहाँ कहेंगे ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है वही आपके बॉडी में स्टोर होता है. अगला प्रश्न कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डर नाम से जानते हैं. आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइप ग्रेप्स कॉन्टेंट, जो आपके पके हुए अंगूर होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं उनमें क्या होता है. आप कहेंगे फ्रुक्टोज, ये पके हुए फल में पाए जाने वाले एक शुगर है. अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि सबसे मीठा शुगर के बारे में पूछ रहा है. तो यहाँ कहेंगे आप फ्रुक्टोज, जो फ्रुक्टोज होता है ये सबसे मीठा शुगर होता है जो आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं. अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो आपका ह्यूमन बॉडी होता है उनमें सबसे उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में शुगर कौन सा पाया जाता है. तो ग्लूकोज, ग्लूकोज एक शुगर का रूप है, लैक्टोज भी एक शुगर का रूप है, फ्रुक्टोज भी एक शुगर का रूप है और सुक्रोज भी शुगर का रूप है. लेकिन यहाँ पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा, तो आप कहेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज मैक्सिमम अमाउंट में होता है ह्यूमन बॉडी में. अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, व्हाट आर लिपिड, लिपिड्स क्या होते हैं. तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए दे आर मोनोसेक्राइड, क्या ये मोनोसेक्राइड होते हैं. आपका बी दिया हुआ है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, क्या लिपिड एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते. सी ऑप्शन कह रहा है, फ्रूट्स आर सुक्रोज ऑफ लिपिड, जो फ्रूट्स होते हैं वो लिपिड के सुक्रोज होते हैं. एंड डी ऑप्शन कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड. तो आप कहेंगे डी इज द करेक्ट आंसर, जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड होता है वही आपका लिपिड होता है. अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च, यानी कि एनिमल स्टार्च के रूप में किसको जानते हैं. तो आप यहाँ कहेंगे ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल के स्टार्च के रूप में जाना जाता है. अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट वुड बी फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, जो आपका फ्रक्टोज होता है उसका फार्मूला क्या होता है. तो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, C12H22O11, ये गलत ऑप्शन है, C6H12O6 ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज सबका जो केमिकल फार्मूला होता है आपका बी C6H12O6 होता है. तो ये रहा हमारा डिस्कशन आपके चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू.